अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो आज की मार्केट 42,901 की सतह पे बंद रही। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो KC 100 इंडेक्स में हमने 141 मिलियन का काम होते हुए देखा, जबकि KC ऑल शेयर में तकरीबन 292 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 10 बिलियन बनती है। तो ये अच्छी बात है कि वॉल्यूम्स के साथ साथ जो वैल्यू बन रही है ट्रेडिंग की, वो भी काफ़ी एक अच्छी बन रही है। मज़ीद देखा जाए तो आज इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा गेन किया, काफ़ी हेल्दी गेन किया है, काफ़ी अपने हाई के पास जाकर बन रही है। उसके जो वजूहत थी आज मार्केट की चलने की, वो गुड न्यूज़ थी। जो न्यूज़ कल रात से हम सुन रहे थे, जिसके अंदर जो न्यूज़ थी, जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 500 मिलियन जो है वो दिए हैं, ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ थी। उसके अलावा दूसरी भी मज़ीद न्यूज़ थी गुड, जो कि बेसिकली कंपनी वाइज गुड न्यूज़ आ रही थी, जिसकी वजह से, क्योंकि कंपनीज परफॉर्म करेंगी तभी इंडेक्स परफॉर्म करेगा। तो कंपनीज वाइज, जिसके अंदर चाहे ऑयल कंपनीज हो, टेक्नोलॉजीज कंपनी हो, उनके हवाले से काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही थी। तो उसकी वजह से भी एक मार्केट में हमने एक अच्छा खासा पुश देखा। और एक और अगर हम दूसरी वजूहत देखें, जिसके अंदर आपका क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के अंदर हमने एक डिप देखा। और इस वक्त जो क्रूड ऑयल चल रहा है वो तकरीबन 84.91 डॉलर के पास चल रहा है। हमने देखा अभी रिसेंटली इसने 92-93 का हाई मारने के बाद अभी 85 डॉलर के पास आ चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये वजूहात की वजह से आज मार्केट में चली। बाकी हमने भी आपको यही बताया था कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते करते मार्केट में चलना चाहिए, मार्केट की ओवरऑल बेहतर क्लोजिंग है। और आप देखेंगे जितने स्टॉक्स आज परफॉर्मेंस दी, जिसके अंदर OGDC हो गया, हमने आपको सबसे पहली कॉल दी थी। OGDC कब दी थी? जिस दिन इसने अपना 52-week लो लगाया 69.90 का, उस दिन हमारी कॉल यूट्यूब पर जनरेट हो गई थी कि अब यहाँ पर आप लेकर रखें इसको थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए, यह आपको यहाँ से इंशाल्लाह अच्छा गेन देगा। हमने देखा उसके बाद आपको और भी वीडियोज़ में OGDC के बारे में बताया, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आई। अच्छा, आप दूसरे स्टॉक लेते, ट्रीट के बारे में हमने आपको बताया था प्रीवियस कुछ वीडियोस से। मज़ीद देखा जाए तो बहुत ही स्टॉक्स से जिनके बारे में हमने आपको बताया, आज उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। अच्छा, मज़ीद अगर हम देखते हैं टॉप बेसिकली कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो आज जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो TRG का स्टॉक 102 पॉइंट के साथ इंडेक्स को पॉजिटिव रखता रहा। फिर अगला जो स्टॉक था वो मीज़ान बैंक का स्टॉक हम देख रहे थे, रिसेंटली काफ़ी नीचे आया हुआ था, तो आज इसके अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी बनी। और फिर इसके अंदर एक मूवमेंट आई, फिर OGDC, फिर HBL, BFL, PPL, HUBCO सिस्टम्स, UBL, BAHL, MCBFA, BL, Abbott, MTL, PSO, जहाँ नेगेटिव साइड पर PSEL, फातमा फर्टिलाइजर, हेस्कॉल, KTML, JLI, CL, मारी, शिफा, HCAR, FCCL, FM, FFC, नेस्ले, ग्लैक्सो, कोलगेट और पाकिस्तान टोबैको रहे। अच्छा, अगर हम देखा जाए डॉलर को, आज जो डॉलर की क्लोजिंग आई है वो 221.42 रुपये पे आई है। तो आज पाकिस्तानी रुपी ने स्लाइड गेन किया है डॉलर के अगेंस्ट में 0.1% का। मज़ीद अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने आज करेक्शन देखी तकरीबन 419 पॉइंट की, जहाँ पर नास्डेक को देखा जाए तो कल के दिन जैसे नास्डेक खुली थी जब, तो जाहिर सी बात अभी खुली तो नहीं है, तो वो तकरीबन 2.5% नीचे बंद रही और अपने 52 बेसिकली कह लीजिए 52-week लो के आसपास ही चल रही है। जब अभी इस वक्त फ्यूचर्स को देखें तो इस वक्त ऑल्दो 0.3% प्लस चल रहा है फ्यूचर्स इस वक्त नास्डेक के, लेकिन ओवरऑल हम वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा प्रेशर ही विटनेस कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी यूरोपियन मार्केट्स हो गई, वो सभी आज प्रेशर के अंदर ही दिखाई दे रही हैं। अच्छा, टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखा जाए तो हेस्कॉल का स्टॉक, अच्छा हेस्कॉल के अंदर आपको कॉल दी गई थी और इसने आज जो हाई मारा वो काफ़ी अच्छा हाई था, 8.45 रुपीज़ का हाई मारने के बाद इसके अंदर करेक्शन आई और इसने लो मारा 7.56 रुपये का। अगला जो स्टॉक है BAFL बैंकिंग टोटल आज परफॉर्म करता रहा, BAFL अपर कैप लगा इसको, फिर WDL आ गया, उसके बाद DGL के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस पे OGDC के अंदर हैवी वॉल्यूम्स का काम हुआ, फिर सिनर्जी हो गया, फिर PRL की रिफाइनरीज के वाले वैसे ही काफ़ी गुड न्यूज़ चल रही है, इसकी वजह से सारी ही रिफाइनरीज के अंदर हमने तकरीबन परफॉर्मेंस देखी। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो दीवान फारूक मोटर्स, इसके अंदर हमने आज भी प्रेशर में देखा, फिर TRG अपर कैप लगा, PIBTL के अंदर भी परफॉर्मेंस रही। चाहे टॉप एडवांसेस को देखा जाए तो डेल हो गया, दाऊद इक्विटीज़ हो गया, फिर BAFL हो गया, फिर बाकी सब तो तकरीबन इलिक्विड स्टॉक्स है।
अच्छा एक्साइड बैटरी को भी आज अपर कैप लगा। अच्छा फिर दूसरे स्टॉक्स को देखा जाए तो आपका टॉप डिक्लाइन साइड पे ESBL एस्कर्ट्स बैंक इसके अंदर काम हुआ और ये नेगेटिव साइड पर रहा, और दीवान फारूक मोटर्स, बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स है। अब चलता है टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली अब मार्केट में आगे कैसी मूवमेंट बन सकती है। देखिए मेरे सामने है टेक्निकल चार्ट। अच्छा आज टेक्निकल चार्ट को देखें तो आज मार्केट की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है सिंस तकरीबन 25 अगस्त, तो ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है। और आज के जो वॉल्यूम्स है वो भी तकरीबन आप कह लीजिए डेढ़ महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम्स लगे हैं आज के दिन। RSI को देखें तो RSI वंस अगेन 64 की सतह पर आ चुका है, और मार्केट में भी आज एक बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है वॉल्यूम्स के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप इस वीक को देखते हैं तो कम्युलेटिवली इस वीक में मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट गेन किए हैं, 2.5% जो के बनता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। अच्छा अगर हम चेक करते हैं, अच्छा क्योंकि कल एक वीकली क्लोजिंग है तो मार्केट की जो हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो क्लोजिंग बनती है वो 42,429 की बनती है। आप बेसिकली कह लीजिए हाई और लो को माइनस करके जो हाई और लो को माइनस करने के बाद डिवाइड बाय जो 2 किया जाता है तो ये एवरेज है। हाई और लो को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये एवरेज बनेगा, जो कि मार्केट का पिवट की कह लीजिए, ये आपके लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि इस वक्त मार्केट इसके ऊपर है, और अगर मार्केट इसी के ऊपर ही बंद रहती है तो ये मजीद पॉजिटिव होगा अगले वीक के लिए, ठीक है। अच्छा लेकिन इससे पहले हम लोग को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आवर्ली टाइम फ्रेम में सबसे पहले मार्केट को देखते हैं। देखिए आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में हमने नो डाउट एक बेहतरीन रैली देखी, लेकिन इस वक्त मार्केट क्या हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर दाखिल हो चुकी है। अच्छा हाईली ओवरबॉट जोन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में इस वक्त मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन हो चुकी है, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गेन आ चुका है, ठीक है। इसका ये कतई नहीं मतलब होता कि मार्केट नेगेटिव हो गई है, इसका मतलब होता है कि अभी आपने मोहतात रवैया इख्तियार करना है। वो आप कैसे इख्तियार कर सकते हैं? वो ऐसे कि आप स्टॉप लॉस के साथ काम किया करें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर बेचेंगे ना माल तो वो एक गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट तो आप देखेंगे तो ओवरबॉट किस लेवल से है, मार्केट ओवरबॉट है तकरीबन 42,500 की सतह से। अब आप 42,500 पे अगर आपने बेच दिया तो आप 400 पॉइंट के जो मजीद रैली भी आप उसको मिस कर जाते। तो इसका एक मकसद ये होता है कि अब आप यहाँ पे मोहतात रवैया कैसे इख्तियार करें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, या आप अपने क्या कहते हैं जो आपकी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर लगा दीजिए। क्योंकि मार्केट इस वक्त क्योंकि हाई साइड पे तो मार्केट अपने मीन को ढूंढने ज़रूर आएगी, मीन मतलब एवरेज के पास ज़रूर आएगी, ठीक है। तो मार्केट में क्योंकि मैं पहले भी बात कहता हूँ कि लेट योर विनर्स रन, जो आप जीत रहे जब जिस ट्रेड में उसको जीतते रहने दीजिए, एंड कट योर लॉसेज शॉर्ट, लॉस हो रहा है उसको छोटे में ही काट दें, तो ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आप एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप इधर 50 पॉइंट का रिस्क लेते हैं कि भाई 42,900 पे है, मैं 42 एक बिल फर्ज की मैं बात करूँ 42,800 है, 42,850 में अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरे से ज़्यादा क्या होगा, मेरे प्रॉफिट में 50 पॉइंट कम आएंगे ना। लेकिन अगर चल गई मेरा ये जो तुक्का है, ये जो एनालिसिस है वो चल गई, तो क्या होगा कि मैं 300-400 पॉइंट और कमा जाऊँगा, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में रिस्क लेने चाहिए, लाइफ इज़ रिस्की विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। बहरहाल अभी इन चीज़ों को हम बाद में बात करते हैं, अभी हम लेवल्स की तरफ चलते हैं। देखिए मैं 15 मिनट में अब आ चुका हूँ। देखिए 15 मिनट में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आज मार्केट ने जो अपना पहला टॉप मारा वो 42,841 के पास मारा। इस वक्त आपका RSI किधर मौजूद था? 85 के पास, जो कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट पोजिशन होती है। अच्छा इधर से आपने क्या देखा, मार्केट में एक डिप देखा 42,700 तक। अच्छा ये 850 तकरीबन 150 पॉइंट मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और एक सेकंड टॉप के पास गई मार्केट, और मार्केट ने एक टॉप लगाया 42,959 का। इसके बाद मार्केट में फिर हमने करेक्शन देखी। अच्छा जो ये सेकंड टॉप मारे मार्केट ने, इधर आप देखें तो RSI के अंदर हमने क्लियर एक बहुत बड़ी बियरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ देख रहे हैं, बियरिश डाइवर्जेंस इधर काफ़ी पैदा हो रही है मार्केट के अंदर। मजीद आप देखें तो हाई साइड पर वॉल्यूम्स ठीक ठाक लगे। अगर हाई साइड पर वॉल्यूम्स लगते हैं कंसोलिडेशन फेज के अंदर, एक बात याद रखेगा, हाई साइड पर लग रहे वो अच्छी बात है, लेकिन कंसोलिडेशन फेज के अंदर अगर लग रहे होते हैं ना एक ही रेट पे, तो उधर काफ़ी तक डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो वॉल्यूम को देख कर जो एवरेज बन रहा है ना, तो आप कह लीजिए कि वो बन रहा है 42,750 के आसपास। इधर आप कह लीजिए माल जमा हुआ है, वॉल्यूम वेटेड जो एवरेज प्राइस है, और इसके ऊपर जो है ना वो इलिक्विडिटी है।
असल जो माल जमा हुआ है वो नीचे हुआ है, और जब आप देखेंगे ये वी वेब ऊपर आ जाएगा ना, उस वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इधर तो अभी माल जमा हुआ है और अब ये ऊपर आ चुकी है मार्केट। बहरहाल ये तो अलग टॉपिक्स है, हम इसको किसी और दिन अच्छी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी ये है कि कल के दिन। अच्छा अब जैसे आपने देखे लॉक लगे, आपको TRG को आज लॉक लगा, इसके अंदर बायर भी बहुत बड़ा तो नहीं था, 1 मिलियन के आसपास था, 1-2 मिलियन का, तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो लगा है इसको लॉक, तो थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, और फिर आपके जो जितने दूसरे स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव हाई साइड पे बन रहे हैं, तो नो डाउट उसके अंदर भी आप देखेंगे कि थोड़ी गैप अप का आगाज़ होगा मार्केट में, चांसेस है, या अगर थोड़ी नीचे भी आते हैं यही चांस होगा कि मार्केट अपने आप को थोड़ा ऊपर आ जाए, गैप अप का हो, थोड़ा ऊपर आने के बाद मार्केट में आप हाई साइड से कल प्रॉफिट टेकिंग देख सकेंगे। तो आप कह लीजिए पहला ही सेशन के अंदर हो सकता है आपको पॉजिटिविटी दिखे, लेकिन सेकंड जो सेशन होगा उसके अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे, या ये भी हो सकता है कि आपका जो पहला सेशन पॉजिटिव होने के बाद आपका पहले सेशन से ही नेगेटिविटी शुरू हो जाए। तो कल के दिन आपने ये करना है कि हाई साइड पर अगर मार्केट जाती है तो स्ट्रिक्टली जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ना उसके साथ लेकर काम करें। तो कल के लिए जो सपोर्ट लेवल रहेंगे वो 42,680-700 के पास का ही लेवल है, पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। मुझे लगता है इधर आपके स्टॉप लॉसेस प्लेस हो जाने चाहिए, इस लेवल के नीचे आपने नो न्यू लॉन्ग एंट्रीज, कोई नई एंट्रीज बाय पोजीशंस की नहीं बनानी चाहिए। हाँ इसके ऊपर वापसी मार्केट आ जाएगी फिर वहाँ से कहीं सोचा जा सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं सोचा जा सकता। फिर अगला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 42,500, फिर 42,350, फिर 42,190-200 का लेवल। हाँ 42,350 और 200 के दरमियान में बेहतरीन बाय रेंज न्यू स्विंग एंट्रीज के लिए बनाया जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल जो कल के लिए रहेगा इनिशियली 43,050 का लेवल रहेगा, इसके ऊपर आप मार्केट को ट्रेड होता हुआ देखेंगे, आप मार्केट में वंस अगेन थोड़ी और अप मूव देखेंगे, लेकिन वही बात होगी कि किसी भी वक्त आपकी क्या कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग का आपका कभी भी एक साइकिल शुरू हो सकता है। फिर जो आपका अगला टारगेट होगा वो 43,265, फिर 43,500 और फिर 43,700 के लेवल्स होंगे। अच्छा अब आपने ये एक बात भी भूलनी कि मार्केट ने जो अपना स्विंग लो मारा हुआ है 41,700 का, इधर से मार्केट मोर देन जो आज की क्लोजिंग है 1200 पॉइंट के करीब प्लस हो चुकी है और अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं आई है। तो हाई साइड पे जाती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा लेना है। अच्छा आप चलते हैं हम स्टॉक वाइज और देखते हैं स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स इस वक्त बेहतर है या कौन से स्टॉक्स के अंदर इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। पहला जो स्टॉक है वो है डीजीकेसी को देखा जाए इस वक्त तो DGKC ने आज जो परफॉर्मेंस दिखाई वो एक नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा कोई हाई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई इसने। अच्छा अभी इस वक्त देखा जाए DGKC की जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 56.50 रुपीज़। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगा हम इसके अंदर एक मजीद एक मूवमेंट देखेंगे 57.50 से लेकर 58.50 तक। इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए तो 55.50 रुपीज़ के पास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज बनाई जा सकती है। करंट रेट पे अगर कोई बनाता है तो 55.50 पे इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। दूसरा एक एंट्री का ये तरीका कार रह सकता है 56.50 के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया जाए, तो वो जाहिर सी बात है एक बेहतर और लेस रिस्की ट्रेड बन जाती है। अगला जो स्टॉक है वो है TRG को देखा जाए तो इसने एक जो हाई मारा था 152.80 रुपये से और जो लो लगाए 103.60 रुपये के पास, तो इसके अगेंस्ट ये जो इसने करेक्शन की तकरीबन 49.50 रुपीज़ की, तो इसके अगेंस्ट अभी ये एक रिकवरी ले रहा है और अब जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है 128 रुपये का पहला रेजिस्टेंस, जो कि इस जो फॉल है उसका ठीक 50% बनता है, और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो 134 रुपये का लेवल है। अब ये दो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, नो डाउट ये अगर कल हाई साइड पर जाते तो वही बात है कि ये भी हाईली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर होगा, तो हाई साइड से आप इसके अंदर करेक्शन ज़रूर देखेंगे, लेकिन डिप के अंदर इसके अंदर वंस अगेन एंट्री डेफिनेटली बनाई जा सकती है। अगला जो स्टॉक है वो है यूनिटी। यूनिटी के हवाले से बात की जाए तो यूनिटी ने रिसेंटली एक रैली की, स्विंग लो की मैं बात कर रहा हूँ, वो 19.25 रुपये से तकरीबन की 21 रुपये तक। अच्छा इसके अगेंस्ट इसने तकरीबन वही 61% तक करेक्ट किया और उसका वो जो लो बनता है वो 20 रुपये के पास बनता है। अब ये है कि अब जो इसका रेजिस्टेंस है वो 21 रुपये का है, लेकिन स्टिल आप अभी से भी ट्रेड लगा सकते हैं इसके अंदर, अगर आप करंट रेट पर ट्रेड लेते हैं या अगर थोड़ा नीचे मिल जाए 5-10-15 पैसे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो तकरीबन 19.90 रुपये के नीचे रहेगा, और टारगेट नंबर 1 जो होगा वो 21 रुपये का होगा, अगला जो टारगेट होगा वो 21.60 रुपये और आखिरी जो टारगेट होगा तकरीबन 22 रुपये के पास बनेगा। तो इसके अंदर आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप इसके अंदर अच्छी एंट्री बन सकती है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 20.50 रुपये है, जैसे इसको ब्रेक करेगा इसके अंदर बेहतरी देख सकेंगे, तो इसको इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री बना सकते हैं।
ये एक अच्छा बन रहा है, क्योंकि अब इसने सच मूवमेंट भी नहीं दिखाई मार्केट के साथ, तो यहाँ पे अब इसके अंदर एक मूवमेंट आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब जो अगला स्टॉक है ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, वो है लॉटे केमिकल। अच्छा, लॉटे केमिकल की बात की जाए तो रिसेंटली वही बात है कि मार्केट मूवमेंट आई, इसके अंदर मूवमेंट नहीं आया। और अब क्या है कि इसने रिसेंटली जो एक हाई लगाया था 34 रुपये 80 पैसे के बाद, उसके अगेंस्ट इसने करेक्शन लिया और इसने लो लगाया 27 रुपये 50 पैसे, और अभी तक उसके अगेंस्ट रिकवरी नहीं दिखाई है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी एक अच्छी एंट्री बनती हुई नज़र आ रही है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 29 रुपये 40 पैसे के पास है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो ये इमीजिएटली टारगेट करेगा 30 रुपये 30 पैसे को, और उसके बाद 31 रुपये 10 पैसे, और इसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो 32 रुपये का आपका एटमोस्ट टारगेट रह सकता है। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है इस रेट पे। आप चाहे तो करंट रेट पे बाई करने के साथ स्टॉप लॉस 28 रुपये का लगा सकते हैं, या अगर आपके पास थोड़ी और रूम है जो कि बेहतर होगा 27 रुपये 50 पैसे का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट्स अच्छे हैं, अगर करंट रेट पे बाई करते थोड़ा नीचे मिलता है तो 28 रुपये के पास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, थोड़ा रूम है तो 27 रुपये 50 पैसे कर दें। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 29 रुपये 30 पैसे, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आप इसके अंदर इंशाल्लाह एक रिकवरी की एक फेज़ बनेगा, जो कि जाहिर वजह से जो गिरावट की है 35 रुपये से, तो उसके अगेंस्ट आपको एक रिकवरी का फेज़ दिखेगा। तो ये इसको भी अपने नज़र में रख सकते हैं। इसी के साथ जैसा चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी वही स्टॉक जो मैंने इमेज पहले बताया था वो अभी भी बहुत अच्छा है, तो वो इमेज अभी भी बहुत अच्छा है। बाकी जो स्टॉक्स बताए जा रहे हैं जैसे जिन्होंने आज रैली की, OGDC हो गए, इनको अगर ये डिप पे आते तो ये इनके अंदर भी आप एक्यूमुलेशन देख सकते हैं, वो भी अच्छा है। ठीक है, इसी के साथ जाना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ ममता वसीम PSX एनालिसिस से।